हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस को। इससे पहले हमने प्रेजेंट के जो चार के चार टाइप हैं वो डिस्कस किए हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सारे टेंसों का हमने डिस्कशन किया है। आज हम चलेंगे पास्ट टेंस पे, बेसिक फॉर्मूले से जो इनकी स्ट्रक्चर होती है उससे हम डिस्कस करेंगे। बाकी जो इनके पाँच के पाँच टाइप होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव और WH फैमिली से स्टार्ट होने वाले वर्ड, सारे टेंसेस का यहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे पास्ट इंडेफिनिट के लिए। ठीक है, तो वन बाय वन अब हम चल रहे हैं ना। तो प्रेजेंट वाला हमारा कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि टेंस एक ऐसी चीज है, अगर आपको बेसिक आ गया ना तो आगे आप इनको सीख पाओगे। अगर बेसिक में ही आपकी थोड़ी बहुत भी दिक्कत हो गई ना तो फिर आप नहीं समझ पाओगे। ठीक है, तो जिस भी टेंस के पीछे अगर हम साउंड की बात करें, आ ए ई या तो या ये ये इनकी आवाज है, मतलब जो चीज भविष्य में हो चुकी है और उस टेंस में, जैसे वह गया, उसने खाना खाया, वह सोया, वह रोया, तो ये वाली चीज जिसके पीछे आपको ये वाली साउंड आई ना, तो वो क्या होता है, हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। अब हम देखते हैं कैसे, वही बात है कि सिंगुलर इसमें क्या होता है, यहाँ पे हम देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर, देखते हैं एक बार हम। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हम लिखेंगे पॉजिटिव, उसके बाद नेगेटिव, उसके बाद इंटेरोगेटिव और यहाँ पे आएगा हमारे पास नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव और हमारा डब्ल्यू एच वाला हम इसको इनको साफ करके देखेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे होता है सब्जेक्ट, सबसे सिंपल टेंस होता है यहाँ पे। क्या पास्ट, पास्ट मीन्स जो चीज हो चुकी होगी, तो सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब की लगती है यहाँ पे वी टू सेकेंड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट, सिंपल सा टेंस है, बस यही लगता है इसमें। और जैसे हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनेट में था, ऐसी आई एस का चक्कर था कि किसके साथ लगेगा, किसका नहीं, डू डज का था कि किसके साथ लगेगा किसका नहीं, हैज हैव के साथ था कि हैज किसके साथ लगेगा, हैव किसके साथ लगेगा, इज एम आर के साथ था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक ही हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होती है। अगर नेगेटिव आता तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी, डिड, उसके साथ नेगेटिव है तो नोट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, लेकिन यहाँ पे डिड पहले आ चुका, और जब भी हमारे पास सेकंड फॉर्म यहाँ पे यूज हो चुकी है तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगी, फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। इंटेरोगेटिव में क्या आएगा, ये हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, सब्जेक्ट प्लस में वी वन प्लस में ऑब्जेक्ट। उसके बाद इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में क्या आएगा, डिड हमारे पास पहले आएगा प्लस में सब्जेक्ट प्लस में नोट प्लस में वी वन और प्लस में ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये वाली बात थी इसमें। तो हम इसमें देख रहे हैं कोई एग्जाम्पल, कोई एग्जाम्पल हम इसमें लेते हैं, दो एग्जाम्पल, उसके बाद हम इनको कंप्लीट सोल्व करेंगे। तो वह, तो यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जाम्पल देखें हम, वह सोया, उसके बाद उन्होंने क्रिकेट खेला। तो यहाँ पे देखो ये दो एग्जाम्पल है, मैं आपको सारे बना के दिखाती हूँ, उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी एग्जाम्पल यहाँ पे बना के देख सकते हो। तो सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, यहाँ पे ही, और यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है हमारे पास, फर्स्ट वाले टेंस में ऑब्जेक्ट हमारे पास नहीं है। सोया मीन्स क्या होता है, स्लीप, स्लीप होता है हमारे पास सोना, और स्लीप की सेकेंड फॉर्म होती है स्लेप्ट, ही स्लेप्ट, बस यही होता है, ही स्लेप्ट, ऑब्जेक्ट हमारे पास कुछ है नहीं। अभी आप देखो सब्जेक्ट डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है नहीं हमारे इस टेंस में, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, ही, उसके बाद क्या, डिड नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होनी है, तो यहाँ पे क्या आएगा, स्लीप, ही डिड नॉट स्लीप, वह नहीं सोया। तो ये क्या था, वह सोया के लिए, वह नहीं सोया, तो यहाँ पे बचेगा क्या, वह सोया, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, डिड ही स्लीप, उसके बाद क्या, वह नहीं सोया, तो इसके बाद हम क्या बोलेंगे, डिड ही, उसके बाद नोट है, और उसके बाद क्या आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्लीप। तो ऐसे आपने स्टेप वाइज चलना है, अगर आपको इसकी स्ट्रक्चर याद है तो इजिली आप निकाल पाओगे। यहाँ पे देखो वह सोया, तो ही स्लेप्ट, ऑब्जेक्ट हमारे पास इसमें नहीं था, उसके बाद डिड आएगा, नोट आएगा, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ही डिड नॉट स्लीप, वह नहीं सोया, ही डिड नॉट स्लीप, उसके बाद क्या, वह सोया, तो हमारे पास जो भी हेल्पिंग वर्ब वो आ गया, आई डिड, सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड ही स्लीप, उसके बाद वह क्या, वह नहीं सोया, तो डिड, उसके बाद वह के लिए ही, नहीं मीन्स नॉट, और स्लीप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मीन्स स्लीप। तो ये वाला था हमारा फर्स्ट टेंस। अब सेकंड स्टेप में क्या है, हमारे पास ऑब्जेक्ट है क्या, क्रिकेट,
तो क्या है, उन्होंने क्रिकेट खेला, तो क्या है उन्होंने के लिए क्या यूज होगा, दे, हमारे पास सब्जेक्ट क्या आया, दे, और खेलना के लिए क्या वर्ब की फॉर्म यूज होती है, प्ले, और सेकंड फॉर्म क्या होती है, प्लेड, और ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, क्रिकेट, दे प्लेड क्रिकेट। उसके बाद सेकंड है जो कि उन्होंने क्रिकेट नहीं खेला, तो दे, उसके बाद क्या है, डिड नॉट प्ले क्रिकेट। उसके बाद क्या उन्होंने क्रिकेट खेला, डिड, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, दे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या आएगी, प्ले, और ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, क्रिकेट, डिड दे प्ले क्रिकेट। क्या उन्होंने क्रिकेट नहीं खेला, डिड दे नॉट प्ले क्रिकेट। तो ये वाली चीज आपने ध्यान रखनी है कि जो यहाँ पे हमारे पास इसकी सेकंड फॉर्म लगेगी, बाकी में हमारे पास इसकी फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो होप इन दो एग्जाम्पल से मैं आपको ये समझा पाई हूँ। तो आप क्या करो, अपने अकॉर्डिंग कोई भी यहाँ पे एग्जाम्पल लो और उनको करके देखो, एक बार आपको टेंस है वो क्लियर हो जाएगा। और टेंस एक ऐसी चीज है, अगर आपका एक बार यहाँ पे बेस बन गया तो दोबारा से आपको इनको पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है। अब लास्ट हमारा बचता है डब्ल्यू एच फैमिली वाला। तो देखो डब्ल्यू एच फैमिली क्या है, वेहर, बहन, हूज, तो यहाँ पे देखो क्या है, तो हमारे पास डब्ल्यू एच फैमिली हो गई ना। हाँ, उसके बाद देखो यहाँ पे क्या होता है, डब्ल्यू एच फैमिली, उसके बाद हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, जो हमारे पास क्या है यहाँ पे, डिड है, उसके बाद हमारे पास सब्जेक्ट, उसके बाद हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जैसे मैं एग्जाम्पल लूं, वह क्रिकेट कब खेला, तो देखो कब क्या है, हमारे पास डब्ल्यू एच फैमिली है, तो वहन, डब्ल्यू एच फैमिली सबसे पहले, उसके बाद क्या है हमारे पास, हेल्पिंग वर्ड, सब्जेक्ट हमारे पास क्या है यहाँ पे, ही, और यहाँ पे देखो क्या है, खेलना के लिए क्या है, प्ले, ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, क्रिकेट, वहन डिड ही प्ले क्रिकेट, ऐसे हम इसको बोल सकते हैं। तो उस या और एग्जांपल देखो, वह उसने याद बोला सीता, दिल्ली से कहाँ गई, ठीक है, कहाँ, तो यहाँ पे कहाँ आया वो भी क्या है, डब्ल्यू एच फैमिली है, तो वेहर, उसके बाद हमारे पास क्या है, डिड, और हमारे पास यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सीता, और जाना मीन्स यहाँ पे देखो, वैसे तो गो वेंट गोन वाला होता है ना, हमारे पास जाना गो होता है, वेंट होता है, तो यहाँ पे देखो सेक यहाँ पे क्या है, फर्स्ट फॉर्म लगनी है, तो वेहर डिड सीता गो, और दिल्ली से, तो यहाँ पे अब तक आपको ये तो पता होगा कि से है तो मीन्स फ्रॉम दिल्ली, तो वेहर डिड सीता गो फ्रॉम दिल्ली। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है वो हमने एग्जांपल्स के साथ ही डिस्कस किया है। होप ये वीडियो आपको समझ आई होगी। अगर आपको टेंस पहले से आता तो आपको देखने की भी आवश्यकता नहीं है, अगर रिविजन करना तो 2x स्पीड में आप देख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टेंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।